दोस्तों सारेगामापा का एक और सप्ताह अपने दोनों ही अलग एंटरटेनिंग एपिसोड्स के साथ खत्म होता है। दोनों एपिसोड में जहां कंट्रास्टेंट की परफॉर्मेंस की बातें हर तरफ हुई, तो वहीं ये सप्ताह भी सारेगामापा के मंच ने दोनों एक ऐसे एपिसोड्स पेश किए जो दोनों एक दूसरे से उलट थे। यानी कि शनिवार की रात को जहाँ एपिसोड डेडिकेट था माँ स्पेशल, तो वहीं दूसरा दिन था किशोरदा के नाम। पहले दिन जहां एक से बढ़कर एक इमोशनल परफॉर्मेंसेस होती हैं, सभी कंटेस्टेंट्स भावुक होते हैं, तो वहीं दूसरा दिन रहता है हंसी मजाक और बॉलीवुड किस्सों के नाम। किशोरदा स्पेशल एपिसोड में गाने के बाद हर गाने से जुड़ी छोटी सी याद, छोटा सा किस्सा, या ऐसा कह लें कि एक छोटी सी कहानी उन्हीं के बेटे अमित कुमार ने बताई, और इस तरह से ये दोनों ही एपिसोड खत्म हुए। बात करें अगर इस बार हुए शो में एलिमिनेशन की, तो इस सप्ताह भी शो में कोई एविक्शन नहीं हुआ। यानी कि फिलहाल शो में बने हुए हैं टॉप 10 कंटेस्टेंट, और इसी के साथ अब उम्मीदें हैं कि अगले आने वाले सप्ताह इस शो में पक्के रूप से कोई ना कोई कंटेस्टेंट बाहर होने वाला है। और बाहर होने वाले कंटेस्टेंट में जिन दो कंटेस्टेंट का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है, वो है दिपायन बैनर्जी और राजश्री बाग। दोस्तों आपकी नज़र में कौन है फिलहाल के बॉटम टू कंटेस्टेंट, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।